नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। आज से ठीक 20 साल पहले कारगिल का युद्ध हुआ था और आज ही के दिन हमने विजय प्राप्त की थी। उस विजय का जश्न पूरे देश के साथ रीवा में भी मनाया गया। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरा होने पर रीवा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश पूर्व सैनिक परिषद द्वारा खुटेही में विजय दिवस मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण परिषद ने भी वीर शहीदों को याद किया। छत्री वाहिनी ने रीवा के विवेकानंद पार्क में दीप प्रज्वलित करके मोमबत्ती जला के वीर शहीदों को याद किया। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, जो कि पूर्व सैनिक भी हैं, की अगुवाई में कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की महिलाओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हो गए वह हम पर कर छोड़कर गए हैं कहा, अब हमारी जिम्मेदारी है हम उनके इस बलिदान को ना भूलें। पूर्व विधायक ने कहा, युद्ध की कहानियां भले ही रोमांचक लगती हों, लेकिन हकीकत में वह बहुत भयानक होती हैं। वह कई जिंदगी और परिवारों को तबाह कर देती हैं। यह सरहद के दोनों ओर होता है, इसे रोकना चाहिए। पहले हुआ था परंपरागत हम बनाते आ रहे हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले ये मध्य प्रदेश इकाई और रीवा जिले के तत्वाधान का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें हमारी 5 वीर नारियाँ जो कारगिल युद्ध में जिनके बच्चे खोया था उसमें थे, बाकी 7 और इस जिले की जो वीर नारियाँ हैं उनको सबको एक दर्जन वीर नारियों को सम्मानित किया गया है। और हमारी मांग है कि हम सैनिक सदैव गरिमामय और अनुशासन की सीमा में रहे हैं। हम सैनिकों की जो मांगे हैं वो 5 मांगे हैं अलग अलग, उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके माध्यम से मांगे सरकारें हमें क्या क्या मांगे हैं। उसमें एक CSD कंटीन की मांग है, टोल नाका फी हो वीर नारियों का, जगह जगह उनका अपमानित होना पड़ता है। हमारे जो शहीदी हैं और तमाम पूर्व सैनिक हैं उनको जहाँ 5,000 से संख्या ज़्यादा है जिस किले में, उनको अलग से सैनिक कॉलोनी की स्थापना की जाए। और इसी तरह से जो तहसीलों में पूर्व सैनिकों के प्रकरण पेंडिंग है न्यायालयीन प्रकरण को छोड़कर, उनका 1 महीने के अंदर तत्काल त्वरित गति से नियुक्त कर दिया। इस तरह के मांगे अभी पूरी नहीं होते महीने बाद, तो कुछ आप नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है क्योंकि राज्य का मामला है और यहाँ के कमिश्नर कलेक्टर को लिखा है और इसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जितने भी शहीद हैं उनका हम आयोजन 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी शहीदों को सम्मानित किया जाता है। जैसे हमारे ज़िले में अभी 20 शहीद हैं, बाकी जो शहीद जिस दिन शहीद हुए हैं उनके शहीदों को अपने सब कार्यक्रम अपने स्टाफ के साथ में मिलकर के हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके शहीद के घर परिवार वालों को हम फोन करके और उनको इसकी अभिनंदन करते हैं और समय समय पर हर परिवार को जो भी शहीद है उसको अपने ऑफिस की तरफ से शासन की तरफ से मिलने वाली सहायताओं से अवगत कराते रहते हैं और उनको हमेशा मदद करते हैं और उनकी सहायता करवाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरा होने पर रीवा में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम करके वीर देश के वीर सपूतों को याद किया। वहीं विवेकानंद पार्क में भी रीवा का छत्री समाज पहुंचा और मोमबत्ती जलाकर अपने देश के वीर शहीदों को याद किया। आइए आपको दिखाते हैं रीवा में कारगिल युद्ध पर हुए कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। एक अन्य कार्यक्रम में छत्री वाहिनी ने रीवा के विवेकानंद पार्क में कारगिल के वीर शहीदों को याद किया। शहीदों की याद में विवेकानंद स्मारक में छत्री वाहिनी के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर कारगिल का विजय दिवस मनाया। जैसे उत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं उनको याद, सभी शहीदों को स्मरण करते हुए सबको सत सत नमन प्रणाम देश के लिए जवानों के लिए। ये कौन सी शाखा है आपकी? जी कौन सी शाखा है? आपके करणी सेना हिंदू छत्री वाहिनी सभी भाई हम लोग मिल गए आज इकट्ठा हुए यहाँ पर मनाने के। आज
कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ है और पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा ये विस्मय भरा दिन है कि इसकी खुशी मनाएं, ये अपने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करके दुख मनाएं। पर जो भी है, आज जो भी हमारे जवान तैनात हैं सेना में, अपनी सरहदों पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, ये उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, हमारे जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं रीवा शहर के, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी, विंध क्षत्रिय युवा महासंघ एवं करणी सेना के संयुक्त तत्वावधान में आज उनको याद किया जा रहा है और यहाँ से हमारे माध्यम से उनको एक संबल दिया जा रहा है कि वह सेना पे तटस्थ रहें सीमाओं पे और हम सब उनके साथ हैं। विजय दिवस पे हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और हम लोग तन मन धन से सब पूरी तरह से सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरा होने पर रीवा दर्शन भी देश के इन सपूतों को याद करते हुए इस गाने के साथ उनको श्रद्धांजलि दे रहा है।